Interesting and hopefully very short and crisp book launches. The first book that is being launched today is a rather interesting book. You know, Mir was the first pre modern poet, at least certainly the first Urdu poet, to have written something like an autobiography. Zikre Mir, uh, which is widely known as Mir's Persian Memoirs, was published originally in Persian in 1783. What we are launching here today is the first ever complete, unabridged, uncut translation of Zikremir. In 1928, Anjuman had published the Persian version of Zikremir, but the last part of Zikremir, called Latayf, which translates in, into jokes in Urdu, or the plural of Latifa, had not been published. Zikremir has since been translated into both Urdu and English. But both the Urdu as well as the English translations have used this uh, translation uh, published by the Anjuman in 1928, which does not contain the Lataif portions. It was censored because uh, the then publishers and scholars considered the jokes crass and not fit enough to be read by a cultured society. Anjuman has now published a complete translation of Zikremir. Including the translation of this part. And while the rest of the book is the same as was translated by Professor Nassar Ahmed Faruqi, this part, the Latayef, have been translated by Dr. Sadaf Fatima, who has also written a beautiful translator's note prefixing her translation. So may I first ask Sadaf to please come here and talk about her book in brief, and then I would request the chairperson, Mr. Bora, to please launch the book. वो किताब तो लॉन्च होने वाली है किताब दिख मुझे कहीं नहीं रही है जैसे मीर के बाकी सारे रिलेक्स और रेमिनेंट्स हैं कहीं दिखते नहीं है आपको आजकल चले आए जी आइए आप पहले आ जाइए आदाब नाजरीन जैसा कि अभी आपको तारुफ करा दिया गया कि ये किताब डेढ़ सौ बरस पहले छपी थी लेकिन इसका सेंसर्ड इसको सेंसर्ड कर दिया गया था और इसमें से लताए फटा दिए गए थे आ, मैंने उसी हिस्से का तर्जुमा किया और अब ये किताब डेढ़ सौ बरस बाद अपनी मुकम्मल सूरत में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जानब से शाये हो गई है आ, इस किताब के फ़ायदे क्या हैं और ये हिस्सा तर्जुमा होकर बाज़ार में क्यों आना चाहिए था जो उर्दू अदब पढ़ते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मीर की शख्सियत का बयान करते हुए अक्सर ये कहा गया कि मीर रोते रहते थे मुंह बस होते रहे उन्हें ज़िंदगी में गम और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उनके बारे में जो कुछ भी लिखा वो ज़्यादातर यूं ही था कि हमेशा गम अंदोह में डूबे रहे एक उनका बड़ा क़स्सा मशहूर है मैं यहाँ आपको सुनाती हूँ कि जब मीर लखनऊ दिल्ली से लखनऊ कूच कर गए तो उनको नवाब साहब ने एक मकान इनायत किया रहने के लिए काफ़ी बड़ा मकान था उसमें एक पाइन बाग भी था पाइन बाग कहते हैं ऐसे गार्डन को जो घर से लगा हुआ होता है तो उनको दिया गया ताकि वहाँ खुशर्रम होकर रहें और अगर ज़्यादा दिल घबराए तो खिड़की वगैरह भी खोल लें लेकिन वो वहाँ पर रहे एक बरस हो गया दो बरस हो गया तीन बरस हो गया लेकिन उन्हें इतना फुर्सत नहीं मिली या फिर उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो ये देखते कि आखिर उनके वहाँ खिड़कियां भी हैं उस बाग की तरफ खुलती हैं एक दिन उनके दोस्त आए तो उन्होंने कहा मीर साहब आप ये खिड़की क्यों नहीं खोलते हैं जो बाग की तरफ खुलती है तो उन्होंने कहा कि अच्छा इस घर में बाघ भी है मैं तो अपने बाग से ही नहीं फुर्सत पाता हूँ तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मतलब ये हम ये किस्सा यूं था कि आखिर मीर को फुर्सत ही नहीं कि वो अपनी चीज़ों में दुनिया से बेगाने कभी किसी चीज़ में आ, कभी हंसी खुशी उनकी ज़िंदगी में नहीं रही लेकिन जब आप ये लतीफ़े पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिंदा दिल शख्सियत और आ, जिसने ज़माना बरता हो वो ज़माना आपको इनके लतफ़ में नज़र आता है अच्छा मीर के ख़ुदनब की ख़ास बात यह है कि वो ज़्यादातर सियासी हंगामा खीज़ियों का बयान है उसमें नाद आते हैं नादिर शाह आते हैं और फिर हंगामे होते हैं जंग होती है कताल हो रहे हैं अलग अलग बयान है लेकिन दिल्ली की माशरत पे बहुत कम रोशनी पड़ती है जब आप लतफ़ पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दिल्ली के रहने वाले जो लोग हैं उनका रोज़मर उनकी बातचीत का तरीक़ा क्या है वो किस तरह से लफ्ज़ों से खेल रहे हैं कहते हैं कि नवेद लफ्ज़ है तो उसमें अलीफ्म लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए इस पर बहसें होती हैं किस तरीके से यहाँ पर लामबाज़ी आम है जिस पे लोग आमतौर तो पर बात नहीं करते हैं किस तरह से शराब हर घर में पी जा रही है लेकिन उसको सर कोई जिक्र नहीं कर रहा है तो ये सारे क़स्से अगर आपको 18वीं सदी की दिल्ली की माशरे पर बात करनी है तो आप मीर के लतफ़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ वाज हो जाएगा और हमारे नकादान अदब जो ये कहते हैं कि लतफ का मीर की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था वो किसी भी तरीके से उनकी सवाने से लगा नहीं खा रहे थे इसलिए उसको हटा दिया गया

और अगर वो मीर की ज़िंदगी से रिलेटेड नहीं थे अगर वो माशरत से उन्होंने सुन सुनने के बाद अपनी उसको अपनी किताब में शामिल किया तो भी मुझे लगता है कि वो आपको 18वीं सदी की दिल्ली के बारे में बहुत कुछ बताते हैं चूँकि मुख्तर नोट रखना है तो इसीलिए मैं अपनी बात इस पर ख़त्म करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ अंदाज़ा होगा बहुत शुक्रिया मीर का ही शेर है कि कैसा चमन हमसे असीरों को मना है कैसा चमन हमसे असीरों को मना है चाहे कफस से बाघ की दीवार देखना मैं वोरा साहब से दरखास्त करूँगा कि किताब का इजरा फरमाएँ और सदफ तो यहाँ मौजूद ही हैं आप आगे तशरीफ तो ले आइए लीजिए किताब आप बहुत बहुत शुक्रिया एक किताब और है साहब यू नो दूशन ऑफ लर्निंग दैट बोथ दैट रियली टिपिफाइड द मुगल डेली और द लास्ट फेजेस ऑफ मुगल डेली वॉज द डेली कॉलेज द डेली कॉलेज आल्सो हैड इट्स ओन प्रेस द सेम कॉलेज फ्रॉम वेयर गालिब केम बैक फ्रॉम ऑन अ पैलिंग ये कहते हुए कि साहब वो प्रिंसिपल साहब मुझे रिसीव करने बाहर नहीं आए हैं तो वापस आ गए थे वो द कॉलेज इजटैब्लिश्ड इट्स ओन प्रेस दैट पब्लिश नॉट ओनली टेक्स्ट बुक्स बट ऑल्सो पीरियोडिकल्स कंटेनिंग आर्टिकल्स एंड यू नो कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा एंड द मोस्ट प्रोमिनेट फिगर इन द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ दिज पीरियोडिकल्स वॉज अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर एट द कॉलेज कॉल्ड मास्टर रामचंद्र ही इज renowned not just as a mathematician But also as an Urdu stylist, known for his clear and pellucid and simple style of writing Urdu. The other book that we are launching here today is a book by Edwin Jacob called Life of Professor Yesudas Ramchandra. It is edited by his eminent and wonderful great grandson, who's here with us today, Lieutenant Colonel Richard Morris. I had the pleasure of meeting uh, Richard only last year, and only then did I realize that actually master ramchandra had converted to christianity and was called yesudas ramchandra. Uh, we are also honored to have with us the president of anjuman taraki urdu hind professor dr sadiq rahman Qidwai, who is an authority on master, Ra master ramchandra. actually i should probably show you this book. this is a highly acclaimed book and the most authoritative book on master ramchandra by professor sadiq rahman Qidwai, hindustan me. फिक्री और तहजीबी असलाह का आगाज और मास्टर रामचंद्र प्रोफेसर टॉप्स दिंकिंग लिस्ट ऑफ़ नॉट जस्ट ऑफ उर्दू एकेडमिक्स एंड एकेडमिक जायंट्स बट ऑल्सो ऑफ द ग्रेट मेन एंड वेमेन हु टिपिफाई द रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ डेली ऑल दो हिज रूट्स आर फ्राम अवध मैं आगा शायर कज़ल के इस शेर से आपके साथ आपको दरख्वास्त करूँगा कि इस किताब का अजराफ रमाए साहब शेर यह है कि हम ही हैं हैंजे बाब फसाहत हजरत शायर वी आर ऑफ दिस चैप्टर ऑन हम ही हैं मोजबे बाब फसाहत हजरत शायर जमाना सीखता है हमसे हम वो दिल्ली वाले हैं आई ऑल्सो रिक्वेस्ट रिचर्ड मॉरिस टू प्लीज कम अपन एंड आई ऑल्सो कॉल

आप सब लोग ऊपर तशरीफ ले आए और उसके बाद मैं दरखास्त करूंगा साहब से कि वो इस किताब का इजरा फरमाएं। डिलइटेड टू वेलकम रिजिंग वाइफिया कामल प्लीज कम अपन द्लीज डू कम one who's published the book

ये सब उर्दू अदब जो कोटली है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का उसने अपना शाहजहानाबाद नंबर रिलीज किया है ये उस ये वो शाहजहानाबाद नंबर है इसका भी इजरा हो जाएगा इसका इससे पहले कि मैं कदबाई साहब से दरखास्त करूं मैं आई आस्क रिचर्ड मॉरिस टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हिज अबाउट द बुक गुड इवनिंग आई विल जस्ट इनवाइट Father Monadip to speak first and then I'll respond and cover a few points after that if you don't mind. Thank you. Bye, Master Ramchander. He has left his in mark on daily history by the role he played in the city. In other words, he was a man of intellect. But above all, his life of courage and conviction are most appe appealing to our times. He was born in Panipat to Sundarlal, a Kayasth family of Delhi. His prowess in mathematics became apparent when he wrote a book, Treatise on Problems of Maxima and Minima. This work was promoted by Augustus de Morgan. Due to his extraordinary ability to calculate, he was labelled a Ramanujan. He enjoyed a good career as science teacher at Delhi College, and then as headmaster of Thompson Civil Engineering College, now IIT Roorkee, and finally as headmaster of a mission school which he had established. His life and work are well preserved by Delhi College. Under the influence of scientific knowledge, Ramchandra developed a rationalistic outlook. He held that educated people were too enlightened to believe in religion except that of reason and conscience or deism. But he changed his opinion when he visited the Church of St. James at Kashmiri Gate on a Sunday service. Where he saw several enlightened gentlemen humbly praying on their knees. Eventually, he received the Christian baptism and remained faithful to Christ till the end. He was buried at Nicholson Cemetery near Kashmiri Gate. His courage was exemplary. Through the terrible months of 1857 uprisings in Delhi. His friend, Dr. Chiman Lal, who was the physician to the emperor, Bahadur Shah Jafar, like others, were all martyred. But Ramchandra escaped from Delhi, and in hiding, he narrowly escaped a number of times. But he refused to give up his conviction at any cost. After Delhi was regained, he returned and he took upon himself the responsibility to resume the mission work. He started a school with a team of his friends and widows of those who had perished due to their Christian convictions. Thereafter, the missionary work grew, bringing benefits of modernity and progress. Out of that school, which was eventually named Saint Stephen's School, grew out Saint Stephen's College, as it now stands. A most remarkable event he had organized was a large intercast meal of Christians, which people viewed unbelievably from the rooftops how could the untouchables and the caste people could have a fellowship meal together i would end this reflection here at this point there is a portrait that has been uh, it's not by a professional artist at said, but by my friend islam and he has made this portrait and uh, I will ask uh, Carmel to uh, pull. There is a green string at some end, and if you move it, uh, yeah, you can. Yes. Thank you very much. Thank you. I ask you to respond. Thanks very much. May Professor Kidwai Sahib. और अंजुमन उर्दू हिंद का बहुत मनमून हूँ आई एम डीपली इंटेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ओवर द लास्ट टू ईर्स एंड वाई अंजुमन और उर्दू की इस खुशबूरत महफिल So, thank you for welcoming us. I will say just briefly that today I honor my own father. He was my inspiration and my judge, and this book is dedicated to him. For more than 30 years, before he passed away, he wanted me to join him on a journey in search of the ideas and the stories of the remarkable forebear of ours, Master Ramchander. I have been inspired in more recent years by the eminent people gathered here today, and I see many of you here in the audience who have written about Master Ramchander. Obviously, Kidwai Sahib himself, the greatest authority in our time. Said Irfan Habib Saab, Gail Minolt, who's not with us in Texas University, and Dr. Daniel, and I know uh, Dr. Swapna Little all have written about him. Thank you for your interest in this subject. To you, Carmel McCauley, my publisher, and my constant inspiration and cheering fan. Amin Zaidi Saab, I don't know if you're here. Thank you to Diamond Press for printing this work, and in fact, more than printing, you have been designer and editor and uh, advisor on a number of other matters beyond the scope of your normal work. Uh, thank you. Uh, this book by Edwin Jacob I thought warranted republishing because I think it stands as that primary resource, that primary material that. Most people go to when you're researching matters. Everybody that's written about Master Ramchandra has always gone back to Edmund Jacobs' book. And I thought if we wanted to start telling a story about Master Ramchandra, then the first point is to bring back into circulation this book. And uh, that was the purpose of it. Who was Master Ramchandra? He was a mathematician. He was lauded for being an original thinker for his virtue of speculation. And when Professor Augustus De Morgan of London University, one of the greatest mathematicians of his time in the mid 19th century, took upon Master Ramchandra's case, and I'll talk more about this in a couple of days' time, it was for that virtue of speculation because De Morgan said it was this virtue of speculation that. Builds nations and people like Ramchandra were needed if India was to rebuild itself and stand amongst the greater nations of the world. But in the context of this festival, Master Ramchandra was a great Urdu journalist, a warm friend, as I regard, of Urdu language and its community and culture, and as we have heard. That he brought a new accent to Delhi's Urdu, a simple conversational style, which of whose legacy has continued because of the very nature of the serious matters about which he wrote. He wrote about political things, he wrote about patriotism, he wrote about social reform. So these things were not about poetry, they were not about humor, these were important, serious matters that were fundamental to his agenda for reform and urdu was to play a major part in spreading that agenda across the world uh, across the nation however he perceived that nation to be it might have been the hindustan that formed the borders of uh, what the british called the bengal presidency it might have been greater um, uh, but but who knows along that journey was the controversial decision to convert to christianity and uh, when I asked uh, Kidwai Sahab when I met him last year, what do you think were his reasons? Were there any materialistic things? Were there any factors? He said it was genuinely a heartfelt decision that he took. And uh, the great Malvi Nazir Ahmad, who wrote about uh, Master Ramchandra on this particular matter, also said Master Ramchandra did not change for any worldly inducement. It was a heartfelt. Matter. So, on this note, I would uh, like to say thank you for the opportunity to, to be here. Uh, Atar Sab, thank you. He tends to hide away uh, at, uh, in moments like this, uh, but we are very, very grateful. We are very, very grateful for personally for my friendship with you over the last two years. And without my close working with you, uh, we would not have started on this journey. And there is more to go in the years to come. Thank you very much. Thank you very much, Richard. Thank you both you and Kamal for coming all the way from Australia. अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम से अंजुमन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर रहमान किदवाई साहब से दरख्वा करूँगा कि वो अपने कलमात से हमें नवाजें आप वहीं से फरमाएँ मौजूद हज़रा जिन्होंने आज यहाँ तशरीफ़ लाने की रहमत की खसूस हमारी नाम <laughs> प्रोफेसर बहुत मशहूर दहरी पर उनका काम इतना पुराना है और इतने ज़्यादा फैमिलियर हैं यहाँ वो कि उनके बग़ैर दहरी पर कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता बाहर हर उनका आना और उनका लेक्चर बहुत ही अच्छा था और वह याद रहेगा और महफूज रहेगा और आप हजरात की तशरी आवरी और तकरीरें भी बहुत ही इंस्पायरिंग थी अब मीर से शुरू हुआ है किस्सा मीर ने तो कहा था कि पगड़ी अपनी संभालिएगा मीर और बस्ती नहीं ये दिल्ली है तो ये मीर के ज़माने में ही ये शेर काफ़ी नहीं था आज तक दिल्ली का यही हाल है कि हर आदमी को अपनी पकड़ी संभालनी पड़ती है और उसके बाद भी पता नहीं संभल पाती है या नहीं बहरहाल ये देहरी और शाहजहानाबाद ये तो कहानियाँ बन चुके थे और जो कुछ भी देहरी की तहजीब और दिल्ली की तारीख में है वो लोगों के दिन दिमाग में इतना बसा हुआ है कि इस पर न जाने कितनी किताबें कितनी दास्तानें लिखी गईं और किस किस तरह से लोगों ने मज़े ले लेकर इसको बयान किया ऐसे लोग भी पुराने थे जिनको आज तक लोग इस वजह से याद करते हैं कि वो दिल्ली के पुराने वाकयात किस तरह सुनाते थे मसलन ख्वाजा हसन वगैरह तो ये दिल्ली सात बार उजड़ी और सात बार बसी और नजरें अभी आइंदा क्या हो रहा है लेकिन बहरहाल ये इसके पीछे जो एक तारीख और जो कहानियाँ हैं उनको अगर आप उन पर गौर करें तो आज तो हमारे सामने वर्ल्ड सिटी पुरानी दिल्ली का हिस्सा रह गया है वरना दिल्ली तो अब चारों तरफ फैली हुई है और यहाँ की कोई बात ऐसी नहीं थी जो हमारी दास्तानों में और हमारी कहानियों में शामिल रहा हो और वो आज तक ज़िंदा हैं वही दिल्ली है कि जिसने 1840 के बाद मास्टर रामचंद्र जैसे शख्स को पैदा किया ये यहाँ के पुराने दिल्ली के घराने के फर्द से ओल्ड डेली कॉलेज में पहले पढ़ा पढ़ते थे फिर पढ़ाने लगे और मैथमेटिक्स इनका ख़ास सब्जेक्ट था जिससे इन्हें मोहब्बत थी लेकिन ये उन लोगों में हैं हिंदुस्तान के उन पहले लोगों में हैं जिन्होंने मॉडर्न साइंसेस को हिंदुस्तानी जबानों में इंट्रोड्यूस कर लाना और उनको फैलाना चाहा और मैथमेटिक्स के बारे में उनकी किताबें जो उर्दू में छपी उनके अंग्रेजी तरुर्बे हुए और वो इंग्लैंड में छपे और उसको बार बार रिपीट किया गया और जगहों पर और फिर जब अट्ठारह के बाद यहाँ मॉडर्न एजुकेशन का कुछ चर्चा होने लगा तो इनकी किताबें यहाँ के उस वक्त के कॉलेजों में पढ़ाई जाने लगी और बिल्कुल तो आप इनकी तहरीरें पढ़ें तो बिल्कुल ख़ास ख़ालस हिंदुस्तानी दिल्ली वाले लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो कुछ काम किया वो ऐसा था जो उस वक्त भी याद रखा गया और आज भी याद रखा जाता है और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी है कि उर्दू के चंद बड़े अदीब जो हर ज़माने में बा, बा, सबसे बड़े अजीब समझे गए मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद दक, मौलवी जिकाउल्ला नज़ीर अहमद साहब ये सब उनके शागि थे और इनके बहुत अज़ीज़ शागिरद थे इतने अज़ीज़ के आ, यानी बाज़ लोगों ने तो कुछ कन्वर्जन्स वगैरह की तरफ भी मायल हो गए थे लेकिन खैर ये सब नहीं हुआ लेकिन मास्टर रामचंद्र और उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा रहा लेकिन वो खो गया था किताबों में गायब हो गया था और उसकी तरफ तवज्जो नहीं हुई थी सन उन्नीस सौ साठ के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे कहा गया कि मैं उसको तलाश करूँगा और फिर उस वक्त मास्टर रामचंद्र के बारे में आर्काइव वगैरह से कुछ चीज़ें मिली जिसके पर मैंने एक किताब उर्दू में मास्टर रामचंद्र लिखी और फिर उसी ज़माने में डिस्कवर हुआ कि उनकी बायोग्राफी उनके रामाज ने लिखी थी जिसे बाद में हमें बहुत शुक्रगुजार हूँ रिचर्ड मॉरिस साहब का कि उन्होंने फिर एडिट किया और नए सिरे से शाइ किया अंजुमन तरक्की उर्दू ने उसे रिवाइव किया एक तरह से तो मैं समझता हूँ कि आज की ये महफिल पुरानी दिल्ली नई दिल्ली बन जो दिल्ली बन रही थी वो और जो आगे बनने वाली दिल्ली है उन सब के के बारे में एक यादगार नशिस्त है मैं आप अंजुमन तरक्की उर्दू को मुबारकबाद देता हूँ फारूक़ी साहब को ख़ास तौर से और और लोगों को जो उनके साथी इसमें शामिल हैं कि उन्होंने बहुत अरसे बाद शाहजहानाबाद का ज़िक्र तो आता था तारीख़ में लेकिन लोग उसे भूल गए थे दिल्ली का ज़िक्र जरूर आता था लेकिन दिल्ली वाले अपने अपनी याददाश्तों में उसका जिक्र करते थे उस और भूल उसकी ज़बान के अलावा सब कुछ भूल गए थे लेकिन बहरहाल अब ये एक तरह से ये जो रिवाइव किया इन्होंने तो मुझे लगता है कि दो तीन दिन जो जलसे यहाँ होंगे उसमें दिल्ली असल दिल्ली क्या और दिल्ली की, की असल को जानने के मानी हिंदुस्तान की तहजीब की जड़ों को जानना यानी दिल्ली सन उन्नीस में पाँच लाख के करीब आबादी रह गई थी वो भी माइग्रेट हुई आज डेढ़ दो करोड़ लोग यहाँ रहते हैं ये सब के सब वो हैं जो दिल्ली से बाहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ आए और बसे और फिर वो दिल्ली के हो गए तो और दिल्ली दिल्ली रही बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो आज ये तीन दिन का सेमिनार किया गया है ये इस एतबार से यादगार रहेगा और इस सिलसिले की और बहुत सी किताबें दिल्ली दे, पर तो पूरी एक लाइब्रेरी मौजूद है छप सकती है मैं समझता हूँ उन्हें डिस्कवर किया जाएगा और यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें आप दिल्ली की ज़बान में ही अगर सुनेंगे तो आपको आप भूलेंगे नहीं आपको लगेगा कि जैसे ख्वाब देख रहे थे आप बहरहाल मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला आइंदा जारी रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया